अच्छा जी, हेरा फेरी मूवी देखकर हमने जस्ट मीम्स बनाना ही सीखे हैं, लेकिन इतनी बड़ी बिजनेस की टर्म वो बताकर चले गए हैं कि दुनिया में 99.9% बिजनेस जो है वो इसी टेक्निक के ऊपर काम कर रहे होते हैं और अपना मार्जिन क्रिएट कर रहे होते हैं। लाइक जैसे एक बाबू राव को कॉल आती है और एक कबीरा स्पीकिंग कहता है कि जी 10 लाख रुपये दो और अपनी बची ले जाओ, लेकिन अक्षय कुमार को क्या सोचती है शरारत के क्यों ना इस पर बिजनेस किया जाए। तो आप लोगों ने किडनैपिंग नहीं करनी, ठीक है, मैं तरीका समझाने लगा हूँ। अब अक्षय कुमार असल मालिक को फ़ोन करके कहता है कि जी 10 नहीं आप 20 दो तो मैं आपको जो है आपकी बच्ची दे देता हूँ। अब सुने काम की बात, आपने मार्केट से सामान लेना है होलसेल पे, उसकी अच्छी पैकिंग करके उसको खूबसूरत बना के अच्छे दाम जो है ना उसके बढ़ा के अपना मार्जिन उस पर रख के मुनासिब सा आगे सेल कर देना है। सेम इसी टेक्निक पे हर चीज़ काम कर रही है। आप अपनी छोटी परचून की दुकान से बड़े बिजनेस तक भी देख लें, किसी की कोई भी चीज़ अपनी प्रॉपर नहीं होती, लोग आउटसोर्स ही कर रहे होते हैं। और हमें लग रहा होता है कि शायद ये आलू भी खुद ही उगा रहा है, लेज़ की कंपनी है या पेप्सी है तो खुद ही सारा कुछ कर रही है। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि एक दूसरे के टीम वर्क जो है, छोटी छोटी कंपनीज आपस में मिल के जो है ना एक प्रोडक्ट बना रही होती है। तो क्या आपको ये टेक्निक पहले से पता थी, मुझे कमेंट्स में बताएं।